নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই জোনাকংকন এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ বাতৰি বাতৰিটো এইবাবেই বিশেষ বুলি কৈছোঁ কাৰণ এই বাতৰিটো কিছু অগতানুগতিক এজন অভিনেতা আপুনি হয়তো মোৰ পিছফালে দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে কোন সেইগৰাকী অনুমান অভিনেতা সুনীল পাল যিগৰাকী অভিনেতাই আপোনাক উৰেটো দিন হহঁৱাই ৰখাৰ বাবে অলপো কার্পুণ্য নকৰে সেইজন অভিনেতা যিজন অভিনেতাক চাই আপুনি উৰেটো দিন এটা প্ৰস্ফুটিত মনেৰে গোটেই দিনটোৰ বাবে ওলাই যাব পাৰে বিভিন্নখন চিনেমা বিভিন্ন টি ভি শ্ব'জত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা নিজৰ আন্তৰিক অভিনয়ৰে সুনীল পালে ইতিমধ্যে মানুহৰ মনে মনে স্থান লৈছে এই মুহূৰ্তত সুনীল পালৰ অভিনয়ৰ বিষয়ে নহয় আমি এক বিশেষ কথাৰহে অৱতাৰণা কৰিব বিচাৰিছোঁ অভিনেতা সুনীল পালে কান্দিছে অভিনেতা সুনীল পালে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু এই প্ৰশ্ন আৰু কন্দাৰ আঁৰত কি আছে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যি লকডাউনৰ পৰিস্থিতি কৰণাৰ ভয়াৱহতা ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে পুনৰবাৰ বাবে লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতেই যিসকল অভিনেতা কলা কুশলী আছে মুম্বাইত সেই মুম্বাইত থকা কলা কুশলীসকল অভিনেতাসকল বা পদপথত থকা মানুহৰ বৰ্তমান সময়ত অৱস্থা কি সেই সংক্ৰান্তত এক বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সুনীল পালে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কি ক'লে পালে আমি এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ বিচাৰিছো ই নিউজেনীৰ দৰ্শকসকলক নমস্কাৰ মেৰা প্ৰশ্ন আজি উদ্ধৱ থাকৰে চাহ উদ্ধে प्रश्न करने का हक तो है ना आपसे उसी हक से एक एक नागरिक होने के नाते एक महाराष्ट्रीय होने के नाते आपसे और देश का नागरिक होने के नाते आपसे प्रश्न कर रहा हूं लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस आई हैं वो तो सब फॉलो किया जा रहा है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिसगाइड हो रही है और मिसगाइड ये है कि जो छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं उनपे लाठियां बरसाई जा रही है सब्जी वालों पे चाय वालों पे, मतलब अब उनको तो रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर साल भर वो बहुत बुरे हाल में रहे किराए पे रहते हैं उनके बच्चे स्कूल कहीं आसपास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो भी है लेकिन फीस तो भरनी पड़ती कोई घर मालिक भाड़ा कम करने को तैयार नहीं है सर कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के फीस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है और छोटे छोटे खोलियों में रहते हैं वो लोग गरीब लोग बच्चा अगर भूख से बिलगेगा तो बाप तो घर से बाहर जाएगा ना सर कमाने के लिए वो थोड़ी दिखेगा लॉकडाउन है वो बोलेगा कोरोना से मरने से अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा के लो मतलब तो आप तो बहुत समझदार इंसान है सर आपसे यह उम्मीद तो कर सकते हैं ना हम लोग कि आप हमारे सबको जितनी आम जनता है उनके प्रॉब्लम को समझे आप लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है हमने पहले देख लिया है बहुत लॉकडाउन कर लिया हमने कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हुआ और ये किस टाइप का कानून प्रणाली है सर कि सिर्फ गरीबों के लिए लॉकडाउन है बड़े बड़े लोग तो रैलियां कर रहे हैं बड़े बड़े नेता तो रैली कर रहे हैं उनसे आप सवाल पूछिए ना उनसे तो आप सवाल पूछते नहीं है लॉकडाउन कर दीजिए ऐसा नहीं होता है सर एक मजदूर आदमी खुशी से बाहर दुकान नहीं लगा रहा है। उसके खर्चे हैं सर उसके बच्चे हैं उसका परिवार है उसको रेंट देना है उसको जीना है लॉकडाउन में छोटे छोटे घर आपके सर आप लोग सब बड़े लोग हैं सर राजा महाराजा लोग हो आप मालिक लोग हो आपके बहुत बड़े बड़े घर हैं आप साल भरे घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो भी आपका के घर के कमरे खत्म नहीं होंगे कमाई की जरूरत आपको नहीं है भगवान की दया से आप लोगों ने इतना काम कर लिया इतना सब है आपके पास में ईश्वर ने आपको दिया है कि सात पीढ़ियां आपके बैठ के खा सकती है सात पीढ़ियां सर मैं आपसे हाजिर के निवेदन करता हूं ये लॉकडाउन लॉकडाउन जो है ना सर निवेदन है मेरा प्लीज इससे मैं खुश नहीं हूं सर हम कलाकार लोगों का तो सर छोड़ ही दीजिए जीना आराम हो गया हर प्रोग्राम हर इवेंट कैंसल हो गए कैंसिल कैंसिल हो रहे हैं सर हमारे शो में तो हजार दो हजार लोग ही आते हैं सर मोदी जी की और रैली और अमित शाह की रैली में अमित शाह जी की रैली में दस दस लाख लोग आ रहे हैं सर दस दस लाख है कोई सवाल करने वाला उनसे है कोई प्रश्न करने वाला आप कर सकते हैं उनसे प्रश्न कीजिए आप जो हमको लॉकडाउन लॉकडाउन बोलते रहे ना एक सवाल उनसे भी करिए आप और ये न्यूज वाले जो 80 प्रतिशत बेमान न्यूज वाले दिन भर सिर्फ दो ही न्यूज दिखा रहे हैं कोरोना बढ़ गया कोरोना बढ़ गया कोरोना बढ़ गया और आइए चलते बंगाल की रैली में दस लाख लोग आए और इतने बेशर्म लोग हैं वो रैली दिखा रहे हैं जिसमें एक भी आदमी ने मास्क नहीं पहना और तब तक लाख लोगों की भीड़ है सर ये गरीबों के साथ में ऐसा मत कीजिए सर इन्होंने आपको वोट दिया है ये आपको प्यार करते हैं ये आपका सम्मान करते हैं आप भी इनका सम्मान कीजिए सर लाठियां बरसाना इनका अपमान करना इनको गालियां देना जरा सा मास्क यहां हो गया तो लाठियां बरसा देना जरा सा ये हो गया इतना इतना से अगर कोरोना होने लगता तो सर दुनिया खत्म हो चुकी होती अब तक खत्म हो चुके होते आप तो समझदार है ना सर आप क्यों इन फ्रॉड डॉक्टरों के जो चंद फ्रॉड डॉक्टर है फ्रॉड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन uh, uh, से फ्रॉड लोग हैं साले फ्रॉड है नंबर के और ये कुछ पुलिस वाले जो लोगों को परेशान कर रहे हैं इनको बचाना आपका कर्तव्य है सर इन इन लोगों ने आप पे भरोसा किया है आप ऐसा नहीं कर सकते बंद 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 नहीं चलेगा सर पागल हो जाएगा आदमी आप इन्हें बचाइए और इनको समझिए तभी ये आपको समझ पाएंगे तभी ये आपको आप समझ रहे हैं ना मेरी कोई परिस्थिति किसी जाति बात नहीं है ये ये तकलीफ है लोगों की पहली बात तो ये लॉकडाउन वॉकडाउन कोई कार्यगत नहीं है सब लोग नियम पाल रहे हैं मैं खुद कह रहा हूं भाइयों बहनों नियम पालिए मास्क पहनिए सैनिटाइज कीजिए साफ सुथरा रहिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हर दुकानदार रखने को तैयार है अपनी दुकान के सामने एक एक दो दो सैनिटाइजर रखने को तैयार है तो नियम का पालन सब करने को तैयार है सर लेकिन आप उनको खाने कमाने दीजिए नहीं तो क्या हो जाएगा सर कोरोना से बचने के लिए लिए लोग बचने तो चाहिए हाँ? आप बोलते हो कि बचोगे जान बचेगी तो कमा लेंगे लेकिन परिस्थिति ऐसी है सर कि कमाएंगे नहीं तो बचेंगे ही नहीं आज कमाना जरूरी है वो टाइम चला गया जब थोड़ी बहुत लोगों के पास में गहने थे ये थे वो थे बर्तन थे सब बेच भाज के लोग अब अब प्लेन हो चुके हैं अब उनके पास उनको पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटा बच्चा बिलकुल जाता है माँ बाप बेचारे बिलकुल आते हैं किराए पे रहता है आदमी टेंशन में है नौकरी नहीं है प्रॉब्लम है और कौन किससे मांगे सब सबका सब, सब सबका प्रॉब्लम मेरी जैसे है प्लीज सर ये लॉकडाउन ऑर्डर सर प्लीज मेरे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं बंद कीजिए मेरा निवेदन है सर आपसे आप समझिए सर बात को प्लीज समझिए सर मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप समझेंगे आप बहुत समझदार हैं। जय है महाराष्ट्र